बात करनी है मुझे तुमसे। बाहर आओ। से बात करनी थी बहुत जरूरी। मैं सिर्फ आपसे ये कहने आया था कि विरसा का पीछा छोड़ दें। ये जो महर का ड्रामा रचाया था वो हमने जानबूझ के रचाया था ताकि आप जिका में आने से पहले बारात वापस ले जाएं, लेकिन आपने तो मजनूगिरी दिखा दी, उसकी वजह से सारा खेल लंबा हो गया। भाई मैं और विरसा एक दूसरे से बचपन से मोहब्बत करते, एक ही घर में पले बड़े हैं साथ। माँ बाप को ये बात पता नहीं थी, निका से एक दिन पहले हमने बताया, इसलिए वो सारा हैर का ड्रामा 50 लाख। लेकिन आपने सब कुछ उल्टा कर दिया, इसलिए भाई आपसे गुजारिश है कि हमारे बीच में ना हो, विरसा का ना पीछा छोड़ो, ठीक है? चलता हूँ। क्या आप अपने ऑफिस में? मैं आ रहा हूं आपके पास। मेरे अकाउंट में 50 लाख रुपए कैसे है? सोफिया, तुम्हें भी बहुत जल्दी। हाँ सोफिया, कैसे हो? मैं ठीक, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मैं सोच रही थी आज लंच या डिनर साथ में करते हैं। आज रहने देते हैं, आज बहुत काम है मुझे इसलिए। और हाँ, वो तुम्हारे डैड ने मेरे अकाउंट में 50 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। अच्छा, मुझे तो नहीं पता। देखो तो जरा, पापा को मेरी और तुम्हारी कितनी फिक्र है। तुम ऑफिस में नहीं हो, कहीं जा रहे हो? हाँ। कहाँ जा रहे हो, वो भी इस वक्त? बाद में बताता हूँ जोबिया, अभी मुझे फोन रखना होगा, जहाँ पहुंचना था वहां पहुंच चुका। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, बाय। टेक केयर। लीजिए वकार साहब, आप पानी पीजिए। बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। और मुझे कब मिलेगा? देखिए, कल और परसों 2 दिन ऑफिसेज ऑफ हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्किंग डे में ये बनवा के आपको डिलीवर करवा दूंगा। बस मुझे थोड़ी सी डिटेल्स चाहिए होंगी। आप प्लीज़ मुझे सारी कानूनी पेचीदगियाँ और डिटेल्स बता दीजिए। ठीक है, मैं घर पहुंचते ही आपको सब कुछ व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, मैं ये नेक्स्ट वर्किंग डे में बनवा कर आपको भिजवा दूंगा। ऑल राइट। की मिलिया तेनु की मिलिया, मेरा दिल तोड़ के यादां दी, मैनु यादां दी, मेरा प्यार मोड़ दे। थैंक यू। ऑल राइट।
आप ठीक तो हैं? इस वक्त ऊपर? मेरे लिए एक कप चाय ले आओ जरा। चाय तो मैं ले आती हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। परेशान मत हो, मैं पूछती हूं कि अब ऊपर वालों ने कौन सी नई पट्टी पढ़ाई है। अब बताइए, इकबाल भाई और शमीम भाभी ने आपसे क्या कहा है? काली चाय ले आई हो, कुछ खाने को भी ला देना था। बात को टाले मत मंसूर, ये मेरी बेटी की जिंदगी और मौत का मसला है। आप जानते हैं कि मैं कभी आपके आपके भाई के रिश्ते और मोहब्बत के बीच में नहीं आई, लेकिन इस बार मैं वकार से विरसा को तलाक दिलवाना चाहता हूं। मैं उन लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। आप अपनी बेटी के दामन पर तलाक का दाग लगाना चाहते? तो क्या करूं फिर, मैं क्या करूं? और ये मशवरा आपको ऊपर वालों ने दिया? गलत कह रही हो तुम, दाग नहीं दे रहे वो मुझे। मेरे दामन पे लगे दाग और मेरी इज्जत को अपनी चादर से ढांपने की कोशिश कर रहे हैं। आप साफ साफ लफ्जों में मुझसे बात करें, मुझे तफसील बताइए कि शमीम भाभी इकबाल भाई ने आपसे कहा क्या है। क्या बताऊं तुम्हें, नजर नहीं आ रहा तुम्हें, देख नहीं रही हो, कैसे सिसक सिसक के मर रही है मेरी बच्ची। मुझे नहीं देखा जाता ये सब कुछ। जो रिश्ता उसे इज्जत के बजाय अजियत दे रहा है, मैं बस उसे खत्म कर रहा हूं। बस ये तो बस नहीं है, इससे आगे की भी बात बताए ना मुझे। इससे आगे विरसा की वकार से तलाक हो जाए, फरमान से उसका निकाह कर दूंगा। विरसा के जख्म भरने का यही एक तरीका है। और सच्ची बात यह है कि ऐसे किसी तलाक याफ्ता लड़की से कौन शादी करने पर रजामंद होता है। यह तो एहसान है मेरे भाई का और मेरी भाभी का कि वो मानता है। एहसान मंद हो उनका के तलाक के फौरन बाद भी वो विरसा को अपनाने के लिए तैयार है। और फातिमा, फरमान बहुत खुश रखेगा विरसा को, बस तुम ये समझ लो कि विरसा के नसीब में वकार नहीं, फरमान लिखा हुआ है।